हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? डोले पाटिल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इन लास्ट चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन मॉडुलसेस, देयर रिलेशनशिप्स, टेम्परेचर स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बच्चा लोग, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें ध्यान में लेना है पहले। So what is meant by SFD and what is meant by BMD? We are aware about the shear force and bending moment. उसका equation भी पता है हमें। लेकिन ये SFD BMD होता क्या है? So before that, friends, we are aware about the beam. So this is one of the beam. Beam is the horizontal member of the structure. ये देखो, ये structure नहीं है, एक member है which is horizontal. इट में हैव सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ अ कॉलम। एक कॉलम दिखाया मैंने, दूसरे साइड में रोलर सपोर्ट दिखा रहे हैं। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दैट? मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है। सपोज इसके ऊपर सम कॉन्सेंट्रेटेड लोड W1 इज अप्लाइड और इट में हैव UDL ऑल्सो विच इज W किलो न्यूटन पर मीटर। UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, W1 That is nothing but the concentrated load, उसी जगह पे लगने वाला है। बच्चा लोग, इसी बीम का मुझे डिजाइन करना है, तो ध्यान में लीजिएगा, इसके ऊपर सबसे ज्यादा शियर फोर्स कहां पे आएगा? अभी देख लीजिएगा, शियर फोर्स, ट्रांसवर्स फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ दिस बीम। बीम के एक्सिस को परपेंडिकुलर में लगने वाला है। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर हमारा लोड लग रहा है W1, सो दैट मे शियर ऑफ, सो दिस वैल्यू ऑफ द शियर फोर्स थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन मे वैरी। तो इसको डिजाइन करना है तो हर एक पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है ये मुझे पता होना चाहिए। सर, उसका सिग्निफिकेंस डिजाइन में क्या होने वाला है? तो बच्चा लोग, आपको पता है कि शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। आपको पता चला कि इतना फोर्स लगने वाला है, फोर्स यानी कि मैक्सिमम शियर फोर्स आई हैव, टाउ परमिसिबल अलाउएबल वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस ए भी मेरे पास है, देन इजीली आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एरिया दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय टाउ, इजंट इट? सो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया के साथ हम यहां पर एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका जो भी क्रॉस सेक्शन रहेगा वो हम डिजाइन कर पाएंगे। तो शियर फोर्स एट ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द बीम आई नीड टू नो, दैट विल बी गिवन विद द हेल्प ऑफ दिस शियर फोर्स डायग्राम, SFD। दूसरा, बेंडिंग मोमेंट। सो बच्चा लोग, बेंडिंग मोमेंट, यहां पे सपोज मैंने एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया, एक क्रॉस सेक्शन है, एट दिस क्रॉस सेक्शन हाउ मच बेंडिंग मोमेंट विल बी, ये मुझे पता करना है। तो यहां पे एक रिएक्शन आएगी, सपोज दिस इज आर ए, दैट विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हाइल दिस W1 विल गो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दैट इज सम अप, समिंग, अलजेब्रिक सम ऑफ दिस मोमेंट दैट आई नीड टू नो। सो एट ईच क्रॉस सेक्शन, यहां पे लिया, कितना बेंडिंग मोमेंट है वो मुझे पता होना चाहिए। तो हर एक पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे, तो बनेगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? ध्यान में लीजिएगा, बेंडिंग मोमेंट का एक रिलेशनशिप BME तो हमें पता है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन दैट इज नथिंग बट मे आई सी यू ईरा, एक ईरा लड़की है उसकी तरफ देखने का और उसको एकदम प्राउडली ऐसा वेरी साइलेंट माइंड के साथ पूछना है कि मैं तेरी तरफ देखू क्या, दैट इज मे आई सी यू ईरा। आउट ऑफ दिस फर्स्ट टू पार्ट इफ आई कंसिडर, देन सिग्मा बी इज इक्वल टू यम बाय आई इंटू वाई, दैट इज नथिंग बट सिग्मा बी इज इक्वल टू यम बाय झेड, झेड सेक्शन मॉडुलस है पता आपको, दूसरे लेक्चर में भी आपको मिलेगा ये इंफॉर्मेशन। बच्चा लोग, आपके पास बेंडिंग मोमेंट आया, सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट जिस क्रॉस सेक्शन पर रहेगा वो हमें पता चला। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस, अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेस वैल्यू दैट वी आर अवेयर, तो झेड सेक्शन का डिजाइन आपको मिलेगा, झेड इज इक्वल टू यम डिवाइडेड बाय सिग्मा बी। बच्चा लोग, हम पढ़ाई करेंगे, सॉम कोई भी पढ़ाता है, पढ़ा रहा है यहां पे, रट्टा मार के आपको एक डायग्राम कैसे ड्रॉ करने का ये पढ़ाते रहते हैं आप लोग।
लेकिन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एसएफडी बीएमडी? थर्ड ईयर में जब भी बच्चा आता है उसको एसएफडी बीएमडी का सिग्निफिकेंस पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ शाफ्ट ऑन विच पुली इज प्रोवाइडेड. लेट्स अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द शाफ्ट ऑन विच पुली इज प्रोवाइडेड. ऑन दिस पुली, साड़ियों में दिखा रहा हूं कि यहां पे टेंशन बेल्ट का रहेगा T1, यहां पे T2 है. सो उसका खुद का वेट भी रहेगा, पुली का WP, यानी कि इसी शाफ्ट के ऊपर आप कुछ लोड लगा रहे हो. यहां पे कितना T1 प्लस T2 प्लस WP. तो ये शाफ्ट डिजाइन करते समय आपको इसका मोमेंट पता होना चाहिए. जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो क्रॉस सेक्शन डिजाइन कीजिएगा. दूसरा, यहां पे शीयरिंग क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया, शीयरिंग कितना होगा, जहां पे ज्यादा शीयर फोर्स रहेगा वहां पे फेलियर होने वाला है. सो दैट क्रॉस सेक्शन वी नीड टू डिजाइन. इफ यू आर अवेयर अबाउट द शीयर फोर्स, इफ यू आर अवेयर अबाउट द बेंडिंग मोमेंट, देन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस आई कैन गो फॉर द डिजाइन ऑफ द शाफ्ट. ये थर्ड ईयर में हमें दिखना है. सिविल इंजीनियरिंग में भी, सिविल में भी, सेक्शन ऑफ अ बीम दैट आई नीड टू डिजाइन, दैट टाइम ऑल्सो इट इज गोइंग टू हेल्प अस. सो देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ ये हमारा एसएफडी बीएमडी का डिटेल्ड मेथड क्या है. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. होप हर एक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है. शॉर्टली मैंने बता दिया है, इन डिटेल ऑल्सो विल डिस्कस. नाउ सपोज फ्रेंड्स, एक नंबर के न्यूमेरिकल में आपको बोला है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर, एक फिगर आपके सामने रख रहा हूं, सिंपली सपोर्टेड बीम आई हैव कंसिडर, सिंपली सपोर्टेड बीम. ऑन दिस वन पॉइंट लोड आई एम गोइंग टू अप्लाई, वन पॉइंट लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड. टाइप ऑफ लोड्स, यस फ्रेंड्स वी आर अवेयर अबाउट दिस. दिस इज द सपोर्ट कॉलम, जो रहेगा वही सपोर्ट दे रहा है. दिस इज द हॉरिजॉन्टल बीम ऑन विच 10 kilonewton लोड इज एक्टिंग. सो होप आपके पास अभी कैलकुलेटर है. हाँ, कैलकुलेटर हाथ आ गया. सो 10 kilonewton, यहां पे 2 meter डिस्टेंस है, यहां पे 3 meter डिस्टेंस है फ्रेंड्स. देन आई नीड टू गेट द फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन. देखो फ्रेंड्स स्टेप्स क्या है, 3 steps में न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है. पहला रिएक्शंस, कौन कौन सा रिएक्शन, सपोज दिस इज अ ए, दिस इज द बी, दिस इज अ सी, दिस इज रिएक्शन आर ए, दिस विल बी रिएक्शन आर बी. बच्चा लोग इसी फिगर के नीचे स्पेस वैसे रहने दो. तो इसके लिए मैं लाइंस ड्रॉ करके रखता हूं सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू अस. सो एक लाइन ड्रॉ किया, दूसरा सी का, तीसरा ए का. यहां पे हम हमारा ड्राइंग पूरा करेंगे एसएफडी बीएमडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप, आई नीड टू कैलकुलेट द रिएक्शंस. यानी कि फ्रेंड्स मैं हूं डोले पाटिल सर, वेट 60 kg, 2 supports है, इक्विलिब्रियम में दिख रहे ना, 30 kg 30 kg, बट थोड़ा सा ऐसा खड़ा हो गया तो ये जो पैर है वो उसके ऊपर रिएक्टिव फोर्स ज्यादा आएगा, उसका थोड़ा सा दर्द करेगा. बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द लोड इटसेल्फ. सो यहां पे लोड दिया है 10 kilonewton, डिस्टेंसेस दिया है. चलो कैलकुलेट कर लेते आर ए आर बी. फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स, अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल दैट इक्विलिब्रियम कंडीशंस, 3 conditions हमने सीखा था फ्रेंड्स. पहला समेशन ऑफ एफएक्स इज इक्वल टू 0, दूसरा समेशन ऑफ एफवाई इज इक्वल टू 0, और तीसरा समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0. बच्चा जो भी माइंड में है, जो भी फर्स्ट ईयर में सीखा है या किधर किसी के पास सीखा है, फेंक दे उसको. ये 3 equilibrium conditions ध्यान में रख. ये 3 equilibrium conditions अच्छा ध्यान में आएगा तो आप इन योर करियर ऑल्सो, इन योर इंडस्ट्री ऑल्सो, यू कैन अप्लाई दिस इजिली. आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए इक्विलिब्रियम का 3 conditions. देखो हमने क्या बोला, समेशन ऑफ एफएक्स इज इक्वल टू 0, एफएक्स हॉरिजॉन्टल, समेशन ऑफ एफवाई इक्वल टू 0, वर्टिकल ट्रांसवर्स, एंड थर्ड इज समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0. कोई बोलेगा अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, छोड़ बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली कर सकते. कैसे, लेट्स सी. रिएक्शन मुझे चाहिए, रिएक्शन कैलकुलेट करने जा रहा हूं. पहला कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, पहला कंडीशन समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, एंड सपोर्ट जहां पे रहेगा वहां पे मोमेंट 0 रहेगी. ध्यान में रख,
एंड सपोर्ट, अंडरलाइन एंड सपोर्ट, एंड सपोर्ट ए बी दोनों भी एंड सपोर्ट है, ओरैंग नहीं है, तो एंड सपोर्ट रहेगा तो वहां पे मोमेंट जीरो, तो यहां पे भी ए एंड सपोर्ट है तो वहां पे मोमेंट जीरो। और एक ध्यान में रखो बच्चों, मैं सामने बोर्ड की तरफ देख रहा हूं और वहां से इधर से ऊपर आया प्लस, नीचे गया माइनस, इधर से भी ऊपर प्लस, डाउनवर्ड माइनस। बच्चा ध्यान में रख, यहां पे ओ भी लेने की जरूरत नहीं, क्यों, अपवर्ड मोमेंट इज इक्वल टू डाउनवर्ड मोमेंट, ध्यान में आ रहा है फर्स्ट ईयर। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, अपवर्ड मोमेंट ए की तरफ मुझे चाहिए, ए से ऊपर आ रहा है आर बी इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर बी इंटू फाइव, सो आर बी इंटू फाइव इज इक्वल टू हो गया अपवर्ड, एक ही है दूसरा है, टेन वाला नीचे जा रहा है, टेन इंटू टू, टेन इंटू टू कितना रहा बच्चा, आर बी इज इक्वल टू सिंपल 4 kN। सो आई हैव फर्स्ट वैल्यू ऑफ द आर बी रिएक्शन, आर बी एक मिला, दूसरा बी, दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज कर, क्या इक्वेशन हमने देखा था, दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। बच्चा यहां पे ट्रांसवर्स फोर्स है, हा ना बेटा, ट्रांसवर्स फोर्स है यानी कि अपवर्ड डाउनवर्ड, सो इक्विलिब्रियम में चाहिए जितना ऊपर जा रहा है फोर्स उतना नीचे भी आने दे, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, काय के लिए चाहिए हमें, प्लस माइनस डायरेक्टली आएगा। सो फ्रेंड्स समेशन ऑफ एफ वाई, आर ए अपवर्ड जा रहा है प्लस आर बी अपवर्ड है 4 kN, ध्यान में आ रहा है डायरेक्टली लिख रहा हूं, इज इक्वल टू डाउनवर्ड कौन है 10, सो आर ए इज इक्वल टू, आर ए इज इक्वल टू 10 - 4 6 kN, इतना तो हमें आता है सर, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो पढ़ाई कर, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप आई गॉट द रिएक्शन आर ए आर बी, आर ए इज इक्वल टू 6 kN, आर बी इज इक्वल टू 4 kN, दोनों वैल्यू मुझे मिला। इसके बाद चलो मेरा अभी दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप एसएफ कैलकुलेशन, एसएफ कैलकुलेशन। फ्रेंड्स शियर फोर्सेस कैलकुलेट करना है, सो इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, क्यों, क्योंकि ए के यहां पे सोचा हमने या सी के यहां पे पहुंचा, हम पहुंच गए यहां पे, सो द वैल्यू ऑफ द फोर्सेस आर गेटिंग वैरीड कंटिन्यूअसली, इफ इट इज अ यूडीएल, इफ इट इज अ पॉइंट लोड, इफ इट इज अ यूवीएल, अलग अलग हमें वैल्यू मिलने वाला है। यहां पे देख लेते क्या होता है, शियर फोर्स कैलकुलेट करते समय मैं तो मेरे बच्चों को यह बोलूंगा लेट स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम द लेफ्ट, क्यों सर, हम लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, हमारे आर्मी लोग बोलते रहते ना लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, चलो लेफ्ट से शुरुआत कर लेते हैं। सो पहला पॉइंट आई गो फॉर सेक्शन लेफ्ट टू द ए, इतना सा डिस्टेंस, इतना सा निग्लिजिबल, नॉट टू बी कंसिडर्ड, ए के लेफ्ट में शियर फोर्स कितना है, तो एक ध्यान में लीजिएगा हम लेफ्ट से आ रहे, लेफ्ट से आ रहे यानी कि सेक्शन यहां पे लिया और इधर से अपवर्ड गया प्लस, डाउनवर्ड गया माइनस, मैंने अभी भी बोला अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, हाथ ऊपर किया प्लस नीचे गया माइनस, सो राइट नहीं करते ना, एक तरह करो नको केलस तरी फ्रॉम हियर अपवर्ड मोमेंट डाउनवर्ड मोमेंट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत बोल, उल्टा साइन कन्वेंशन बनेगा, उल्टा साइन कन्वेंशन बनेगा, तो यहां पे अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, सो लेफ्ट से शुरू कर लेता, लेफ्ट टू ए शियर फोर्स लेफ्ट टू ए इज इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, जीरो, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। आगे जाता हूं राइट टू ए, राइट टू ए शियर फोर्स राइट टू ए इज इक्वल टू, ऊपर का वैल्यू नीचे जीरो, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट के बीच में अपवर्ड है, अपवर्ड प्लस 6, 0 + 6 इज इक्वल टू 6 kN, बन गया शियर फोर्स राइट टू द ए। आगे जाता हूं विद इन दिस लेफ्ट टू द सी, अभी लेफ्ट टू द सी शियर फोर्स लेफ्ट टू सी इज इक्वल टू, ऊपर का वैल्यू नीचे 6, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डूइंग द अलजेब्रिक सम, उधर से करते करते आगे आ रहा हूं, बेहतर इधर डायरेक्टली कर सकते, इसलिए बीच में कुछ लोड कुछ भी नहीं है सर, छोड़ दे 6 kN। उसके बाद
राइट टू सी शियर फोर्स इज इक्वल टू ऊपर का वैल्यू नीचे 6, लेकिन यहां पे देखोगे नीचे ला रहा है -10 इज इक्वल टू -4 किलो न्यूटन। सर सी पॉइंट भी खत्म, आगे चलो दूसरा पॉइंट बी के लेफ्ट में सो शियर फोर्स लेफ्ट टू बी इज इक्वल टू ऊपर का वैल्यू नीचे -4, बीच में कुछ भी नहीं है, उतना ही रहेगा बच्चा, करेक्ट ना, सिंपल एकदम सिंपल है। राइट टू बी इज इक्वल टू -4, बीच में आरबी अपवर्ड जा रहा है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चा पहला 0 लास्ट वाला 0, डोले पाटिल की जय, चेक पॉइंट है, लास्ट में 0 आ रहा है, पहला स्टार्ट तो 0 ही होगा, लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि तो एकदम बराबर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेट्स गो फॉर द ड्राइंग ऑफ एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम, कैसे ड्रॉ करेंगे? सो फॉर दैट आई ड्रॉ वन न्यूट्रल लाइन, दिस इज अ बी सी ए, हे न्यूट्रल लाइन वेयर शियर फोर्स इज इक्वल टू 0, ये शियर फोर्स 0 है, तो ए का वैल्यू, हर एक पॉइंट के दो पॉइंट वैल्यू रहने वाले, लेफ्ट राइट, लेफ्ट 0 राइट 6, देखो लेफ्ट 0 दूसरा 6 किलो न्यूटन, यानी कि इधर से शुरू किया यहां तक पहुंच गया मैं, उसके बाद लेफ्ट टू सी 6, हो ए भी 6 बना, ए भी 6 किलो न्यूटन, देन राइट टू सी -4, ओ इधर से ही नीचे आ जाओ उसी पॉइंट को, सो -4 किलो न्यूटन, माइनस से नीचे यानी कि माइनस, वो फिगर में दिखाएंगे, लेफ्ट टू बी -4, बी वाला 4 किलो न्यूटन, एंड फाइनली 0, सो दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस, क्या ध्यान में आ रहा है, शियर फोर्स ऑफ ऑन अ शाफ्ट और बीम इज 6 किलो न्यूटन फ्रॉम ए टू सी, एंड सी टू बी देर इज अ 4 किलो न्यूटन शियर फोर्स। सर ये प्लस माइनस आ रहा है, डोंट वरी, जो ज्यादा वैल्यू रहेगी उसके लिए हम डिजाइन करने वाले कब, थर्ड ईयर में करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम, यस। नाउ सर डिजाइन करना है मुझे, कौन सा वैल्यू सिलेक्ट कर लो, 6 किलो न्यूटन, कौन सा वैल्यू, फोर्स टाउ इज इक्वल टू एफ बाय ए, सो कैलकुलेट द ए, सर टाउ इज अलाउेबल वैल्यू ऑफ दैट मटेरियल, बीम मटेरियल, तो उसके साथ हम कर सकते हैं। नाउ आई वॉन्टेड टू गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें करना है, तो थर्ड स्टेप थोड़ा सा कलर चेंज, थर्ड स्टेप मिलेगा हमें यहां पे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बच्चा ध्यान में रख, जहां पे सपोर्ट है एंड सपोर्ट है, बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है बोला हमने, 0 एंड सपोर्ट, बेंडिंग मोमेंट 0, यानी कि लेट स्टार्ट विद द ए, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट और राइट, डज नॉट मैटर, चलो ए सपोर्ट है, सर बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0, कैलकुलेट करके देखा तो भी 0 आएगा, देन सी का चाहिए बेंडिंग मोमेंट एट सी, लेफ्ट निगे क्यों राइट निगे चालेल, सी लेफ्ट नहीं ले रहा, अपवर्ड प्लस 6 × 2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट, सो 6 × 2 इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन मीटर, अंडरस्टैंड द यूनिट, किलो न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस मोमेंट, एंड फाइनली बी एम बी इज इक्वल टू, सर एंड सपोर्ट है 0 आएगा, करके देख क्या होता है, दिस 6 × 5, 6 × 5 = 30 अपवर्ड, -10 × 3 30 - 30 0, करके देखा तो भी आएगा, लेकिन रूल बनाए एंड सपोर्ट रहेगा तो मोमेंट 0, हमें तो मोमेंट मिला, कैन वी गो फॉर द बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे आता है, लेट्स सी यहां पे ड्रॉ करेंगे हम, सो न्यूट्रल लाइन, दिस इज द बी, दिस इज सी, दिस इज ए, ए का मोमेंट बच्चा 0, बी का मोमेंट 0, सी का मोमेंट
12 किलो न्यूटन मीटर. सो 12 किलो न्यूटन मीटर. बच्चे लोग ज्वाइन कैसे किया जाए? ए टू सी स्ट्रेट लाइन. व्हाई? कॉन्सेंट्रेटेड लोड. यूनिफॉर्मली दैट शियर फोर्स विल बी गेटिंग इंक्रीज. मोमेंट विल बी गेटिंग इंक्रीज फ्रॉम दिस 0 टू 12 एंड फ्रॉम दिस 12 टू बी 0. सो दिस इज नथिंग बट द बीएमडी. आवर बीएमडी फ्रेंड्स, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द एसएफडी बीएमडी. एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है और कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे आगे. सो अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस फर्स्ट. क्यों स्टडी कर रहे? चार मार्क तो मिलेगा, डोले पाटिल तो चार मार्क देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट दूसरा कोई भी नहीं दे सकता. इंडस्ट्रियल अप्रोच बिल्ड करो फ्रेंड्स. आगे जाके थर्ड ईयर में डिजाइन सीखना है, डिग्री में सीखना है, कुछ प्रोजेक्ट चालू है. अंडरस्टैंड दिस सॉम कॉन्सेप्चुअली. सो थैंक यू फॉर टुडे फ्रेंड्स. लेट्स मीट इन अ कमिंग लेक्चर. सो थैंक यू फ्रेंड्स.